दूल्हा बिकता है हाँ। सुना है दूल्हा बिक रहा है, बताना चाहे कहाँ बिक रहा है। तो कौन सी बात है राजदूर जी, दूल्हा तो सदियों से बिकता चला आ रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि तो अच्छा है। दूल्हा बेच कौन रही है? बेच तो मेरी सास है, एक मेरी सास है, वो अपने बेटे की दहेज कितनी लालची है। इनका सपना है कि दहेज पे इतना पैसा मुझे मिल जाए कि मर्सिडीज हो जाए, एक बंगला हो जाए, बैंक बैलेंस हो जाए। इसी चक्कर में लड़की को 40 साल हो गए, तो हम लोग कुछ सोचे समझा लेकिन फिर भी समझने वाली नहीं है। 6 महीने के बाद इतना ड्रेस चेंज हुआ है भाई, उसी जैसे मौके पर क्या बोलिए, हर जमाई बनेगी तो क्या हाल होगा, यही होगा ना। इसलिए भाई जिंदगी में कुछ भी हो, एक रोटी खाओ, घर पे रहो, लेकिन अभी तो मेरे छोटे बेटे की शादी हो रही है ना, थोड़ा अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए, कपड़ा दिला दिया, एहसान मानिए। जिंदगी में कभी ससुराल में जाके देना ऐसा शुभ घड़ी देखने को नहीं मिली, पता नहीं इनके से सास मिल जाए तो मुझे मामले तो देखे पीढ़ी के लिए तरसा हूँ यार, देखे पीढ़ी एक सिगरेट के लिए तरसा हूँ। चोरी करके कौन खाता है? मतलब जीवन नहीं है मेरे लिए, कुछ सामान फ्रिज में रख देती है, पता है इनका पेट तो ऐसे भरने वाला है। बहुत बिक रहा है सर, देखिए दो दो दूल्हे बिक रहे हैं और तीसरा बिकने के लिए तैयार है। सबसे पहली बात तो मैं अपने डायरेक्टर साहब के बारे में कहना चाहूँगा, मिथिलेश अविनाश जी का, हमारी मिथिलेश अविनाश जी ने की हमारी दूसरी फिल्म है। इससे पहले हमने आवाज़ रहे अंगनवा हमार कंप्लीट किया और फर्स्ट टाइम हमें वो मिले और बहुत ही प्यार दिया उन्होंने, बहुत ही अच्छे लगे मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। और ये हमारी दूसरी फिल्म है उनके साथ में, दूल्हा बिकता है। तो आज सॉन्ग स्टार्ट हुआ है, कल्चरल सॉन्ग था जिसके अंदर शादी हो रही है हीरो हीरोइन की और बहुत सारे तामझाम हैं, लेकिन बहुत प्यारा शूट हो रहा है और खुश हूँ मैं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे उस ईश्वर का, उस माँ का, उस अपने भोले बाबा का जो इसी तरह हमें अपना आशीर्वाद और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देते रहें। कहते हैं कि ईश्वर के बिना पत्ता नहीं हिलता है, बहुत से लोग आते हैं यहाँ तक लेकिन माँ के दर्शन नहीं कर पाते हैं। आज माँ की कृपा इतनी बड़ी है कि इतनी अच्छी फिल्म शूट हो रही है, एक पारिवारिक फिल्म जिसके अंदर सारी इंटरटेनमेंट है, सॉन्ग है, कल्चरल गाने हैं, लव सॉन्ग है, कॉमेडी है, फाइट है। सबसे अच्छी बात तो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं इनकी फिल्म एक हट के होती हैं। पहले तो माविन दाशनी के चरणों को मेरा प्रणाम और मेरे सारे गुरुओं को मेरा प्रणाम। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ज्ञान मास्टर जी के साथ में असिस्ट करते हुए मुझे मौका मिला। मैंने मास्टर जी के गुरु के साथ भी किया है, कानू मास्टर जी के साथ में, और काफ़ी तारीफ मास्टर जी के बारे में मैंने सुना था, डायरेक्टर मिथिलेश सर ने हमको बताया था, तो मुझे चांस मिला मास्टर जी के साथ भी करने का। मेरा मन तो मान नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, कोने में खड़ा था, फिर भी ज़बरदस्ती मैंने मास्टर जी के साथ भी किया। काफ़ी अच्छा लगा, नया चीज़ मैंने मास्टर जी से सीखा, गुरु का आशीर्वाद ज़रूरी है शिष्य के लिए। मैं घर का सबसे छोटा भाई हूँ, मैं 3 ब्रदर हैं हम लोग, तो सबसे छोटा मैं हूँ भरत, जो बहुत ही अलग मूड का हूँ मैं, क्योंकि क्या बोलते हैं कि जिसको हीरो बोलते हैं, मेरे हीरो स्टाइल में फुल रहता हूँ, पूरा एकदम एटीट्यूड स्टाइल, पूरा फुल मस्ती करना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलता भी हूँ तो बड़े लोग मुझे दबा देते हैं, मेरा भरत का किरदार है। आज तो बड़े भैया का शादी था, नाचे हैं खूब, खूब मस्ती किए हैं, उसमें भी काफ़ी सारे पटाखे मुझे पड़े अपने लखन भैया से, थप्पड़ पड़े,
और अभी ये हल्दी लेके बैठा हूँ, ये देखिए सूख गया है वेट करते करते, बट अभी भाभी नहीं आई, वेट कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ सब समझ रहे हैं कि मेरा हल्दी रसम होने वाला है, और भाभी के इंतजार में मैं बैठा हूँ। एक आ चुकी हैं, दूसरी का मैं वेट कर रहा हूँ, मेरा का पता नहीं। नहीं, ये कलयुग के रामायण के पात्र हैं भरत, दूल्हा बिकता है के रूप में जो हमने कहानी को मोड़ा है। तो जैसे रामायण में भरत को पत्नी से मोह नहीं था, उनके लिए उनके दिल में स्थान देवियों जैसा था, तो वो वन को चले गए हैं तो वो भी अलग अपना धाम पे कुटी बना के रहने लगे हैं। वैसे इनका है, जब इनकी भाभी बिछड़ जाती है तो इनको विरक्ति हो जाता है। ये कहते हैं कि नहीं, मैं भाभी को माँ मानता हूँ, और जब तक वो मिलती नहीं है मैं किसी लड़की के चंगुल में नहीं फंसूँगा। तो अब देखिए, फिल्म देखने से पता चलेगा कि भाई शादी करते हैं कि नहीं करते हैं, भाभी ढूंढ पाते हैं कि नहीं पाते हैं। देखिए थिएटर में जाके दूल्हा बिकता है, फिल्म देखिए दूल्हा बिकता है, और पता लगाइए राम और लक्ष्मण की शादी तो हो गई, भरत की पत्नी कहाँ है? क्या राम की पत्नी मिली भरत को? इन सवालों का जवाब मिलेगा थिएटर में जब आप फिल्म देखेंगे दूल्हा बिकता है। आपके बगल में और एक छुपके से आके बैठ गए हैं, पूरे मूंछधारी हैं एकदम, क्या कहना चाहेंगे? ये हमारे फिल्म में हनुमान हैं, इनका नाम फिल्म के अंदर बांके है, जो बहुत ही लाड़ प्यार करते हैं अपने साला से, ससुर से जान छिड़कते हैं, लेकिन चूंकि ये हमेशा पत्नी के मायके में रहते हैं घर जमाई बनकर, इसलिए इनकी वैल्यू कम होती है। अब यही आगे बताएंगे कैसे कैसे पड़तनाओं को झेलना पड़ा है इनको। मैंने ससुराल में रहकर एक एक अन्न के लिए तरसा, कपड़े के लिए तरसा, प्यार मोहब्बत के लिए तरसा, हमारे माँ बाप मुझे याद आते थे, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं गया कि आज नहीं कल तो मुझे इस घर में प्यार मिलेगा। और हमारे डायरेक्टर साहब पिछले सबदास जी कहा करते थे, सुधाकर संयम रखो, एक समय आएगा मीठा होता है। उसी कड़ी को नारा भी, एक बहू उस घर में आती है तो मेरा खाने वाने का जो है कि जुआ दूध दूध रबड़ी बलाई खिलाती थी, थोड़ा शरीर वरीर बच जाता था, लेकिन मेरी सास, बस सास को क्या बोलूं, उसने मेरे लखन जैसे प्यारे साले को जो है कि उनके साथ लांछना लगा कर घर से निकाल दिया। और उस दिन से लेकर आज तक मैं तड़प रहा हूँ कि पता नहीं क्या होगा, क्या नहीं होगा, बाकी कभी मत रहना मेरे भाई, कभी मत रहना। अगर आपको जानना है कि दूल्हा कितने में बिकता है तो आप सिनेमा घर तक जाइए। दूल्हा बिकता है।